प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में बनी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया। ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति थी जिसे करीब 3,000 करोड़ रुपए के खर्च से 3.5 साल में बनाया गया। एयरसेल मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की अग्रिम जमानत का विरोध किया और कोर्ट से उसकी कस्टडी की मांग की। चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल करते हुए ईडी ने कहा कि चिदम्बरम टाल मटोल वाले रवैये का अख्तियार कर रहे हैं और जांच में सहयोग नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से फ्रांस से खरीदे जा रहे राफेल विमान की कीमत संबंधी जानकारी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार 10 दिन के भीतर एक सील बंद कवर में कीमत संबंधित जानकारियां दे। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से स्पष्ट किया है कि उसे राफेल सौदे से जुड़ी तकनीकी जानकारी नहीं चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 7 के तहत मिले अधिकार का इतिहास में पहली बार इस्तेमाल किया गया। और इन खबरों के बीच केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि RBI एक्ट की परिधि में रिजर्व बैंक की स्वायत्तता निहायत ही जरूरी है और इसका सम्मान करते हैं। अयोध्या मामले पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत कई हिंदू संगठनों ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। संघ के अलावा बीजेपी के कई नेताओं ने शीतकालीन सत्र में मंदिर बनाने के लिए अध्यादेश लाने की मांग की है। BSP ने प्रतिमाओं को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। BSP की ओर से कहा गया कि वो सरदार पटेल की मूर्ति का स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही वो बीजेपी के दोहरेपन के खिलाफ है। BSP ने सवाल किया कि अम्बेडकर की मूर्ति को फिजूल खर्ची क्यों करार दे रही थी बीजेपी। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में NDA में शामिल सभी पार्टियों में सीटों को लेकर समझौता हो गया। समझौता के मुताबिक बीजेपी और JDU को 17-17 सीटें, वहीं रामविलास की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा RLSP 2 सीटों से मैदान में उतरेगी। दिल्ली में RPF के साथ मिलकर IRCTC की मदद से 119 ई टिकटें सीज की गईं। 4 लाख रुपए की ये टिकटें एक ही मोबाइल नंबर पर बुक हुई थी। इस नंबर से करीब 547 फेक ID बनाई गई थी। जून 2014 से अब तक इन ID पर 7549 ई टिकटें बुक की जा चुकी थी, जिनकी कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक की है। वाराणसी के एक मॉल में फायरिंग हुई जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। दिवाली की शॉपिंग को लेकर ग्राहकों और शोरूम स्टाफ के बीच हुए विवाद के बाद वहां फायरिंग शुरू हो गई। शूटआउट में 2 लोग और गंभीर रूप से घायल हो गए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत ने लगातार दूसरे साल लंबी छलांग लगाई। विश्व बैंक की ओर से जारी सूची में भारत ने 23 पायदान के सुधार के साथ 77वां स्थान हासिल किया। भारत में पिछले 100वें स्थान पर रहा था। पिछले साल 2 सालों में भारत की रैंकिंग में 53 पायदान का सुधार आया है।